हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान, जिसे हम लोग जनरल साइंस कहते हैं, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न जो हैं वो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि प्रतियोगी परीक्षाएँ जो होती है उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और खास मजे की बात ये है दोस्तों कि इस वीडियो में मैं आपको एक प्रश्न के साथ साथ कई प्रश्न बताऊँगा, यानी कि क्वेश्चन एक होगा लेकिन उस एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो में गारंटी देता हूँ, आप लोग अगर अच्छे से इस वीडियो में पढ़ेंगे तो इस क्लास में आपको ये जो प्रश्न है ये साथ की साथ ही याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम प्रश्न को पहचानना है, कैसे उसके आंसर को पहचानना है, ठीक है ना दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना दोस्तों। और हाँ, क्लास को फुल शेयर कर दो, पूरा शेयर कर दो सभी लोगों तक, ठीक है ना। जितने आपके ग्रुप है सभी लोगों तक शेयर कर दो, अच्छे लोगों तक शेयर करना ताकि अच्छे विद्यार्थी इसके अंदर पढ़ पाएं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई थर्म है, किसकी मापक इकाई थर्म है। तो दोस्तों देखो, नाम से पता लगा, मापक इकाई का मतलब होता है नापने वाली इकाई, यानी कि जिसको अपने इस यूनिट में नापते हैं, नापने वाली इकाई। जैसे मान लो आप दूध है, दूध को आप लीटर में नापते हैं, है ना। चीनी जो है, चीनी को आप किलोग्राम में नापते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मापक इकाई, यानी कि किसी भी चीज़ को मापने की क्षमता, उसके तोलने की क्षमता, ठीक है ना। अब थर्म, थर्म का मतलब होता है दोस्तों, देखो क्वेश्चन पहचानना सीखो, थर्म का मतलब होता है ऊष्मा, यानी कि हीट, हीट गर्माहट, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, थर्म का मतलब क्या हुआ, ऊष्मा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऊष्मा। तो बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, उसको नापने की जो मापक इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, थर्म होती है। क्या होती है, थर्म होती है, ठीक है ना। तो बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब होता है दोस्तों हीट, गर्मी, गर्माहट, उच्च तापमान, ठीक है, क्लियर। तो बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखो, मजा आ गया ना क्वेश्चन करके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। प्रवाहित करने का मतलब है दोस्तों बहाकर ले जाना, क्या है, प्रवाहित करने का मतलब क्या है, बहाकर ले जाना, ठीक है, बहाकर ले जाना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा अंग मानव शरीर के अलग अलग भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। तो वो होता है दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे आप लोग बोलते हो RBC, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, RBC बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, ये क्या होता है, पूरे शरीर में फैली होती है दोस्तों, खून के अंदर आपने ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी इस तरह से, तो ये लाल रंग की होती है, ये पूरे शरीर में फैली होती है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है शरीर में O2 को पहुंचाना, अलग अलग भागों तक, अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब दोस्तों ऑक्सीजन जब तक हमारी बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंचेगी ना, तो हमारे बॉडी पार्ट्स कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और याद करो कि कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमारे को यहाँ पर रक्त के अंदर कौन देता है, लाल रक्त कोशिकाएं देती है। किसके रूप में देती है, ऑक्सीजन के रूप में देती है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मतलब है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा, लाल रक्त कोशिकाएं हमेशा ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से जो ये भी ये क्रियाएं करेंगे वो खून में उपस्थित ऑक्सीजन से ऊर्जा लेकर के करेंगे। क्या करेंगे, खून में उपस्थित ऑक्सीजन से ऊर्जा लेकर के करेंगे, ठीक है। तो ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं का ऑप्शन ये भी आ सकता है RBC, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। RBC का मतलब क्या है, R फॉर रेड, B फॉर ब्लड, C फॉर सेल्स, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है, जो पुरुष सेक्स हार्मोन, जो कि दोस्तों किसके अंदर यूज होता है, जनन प्रक्रिया में यूज होता है। किसके अंदर यूज होता है, जनन प्रक्रिया में यूज होता है, जिसे इंग्लिश मीडियम वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, कौन सा पुरुष हार्मोन जो है वो सेक्सुअल हार्मोन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए टेस्टोस्टेरोन। क्या है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन, याद रखो नाम को, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, ये पुरुष हार्मोन है, और बाकी ये वाला जो है ये महिला हार्मोन है, ठीक है ना। तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न ग्रहों में किसे पृथ्वी का जुड़वां भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वां भी कहा जाता है, कौन से ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों शुक्र जो ग्रह है, जो शुक्र ग्रह है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी बोला जाता है, इसे ट्विन ऑफ अर्थ बोला जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या होता है इसका,
ट्विन ऑफ अर्थ यानी कि धरती का जुड़वा, ट्विन ऑफ अर्थ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में बोले तो पृथ्वी का जुड़वा क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन शुक्र। अब ऐसा क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो कलर, इसका जो रंग है, रंग रूप जो है इसका, इसकी जो आंतरिक संरचना है, इसकी जो बाह्य संरचना है, ठीक है ना, वो दोनों की दोनों क्या है, सबकी सब जो संरचनाएं हैं वो किससे मेल खाती हैं, हमारी प्यारी पृथ्वी से मेल खाती है। किससे मेल खाती है, पृथ्वी यानी कि अर्थ से मेल खाती हैं, ठीक है ना, अर्थ से मेल खाती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों देखो, जब हम इसको देखते हैं और जब हम पृथ्वी को देखते हैं, ठीक है ना, सौरमंडल से जब हम इसको देखते हैं और पृथ्वी को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें दोनों में सिमिलरिटीज यानी कि सेम ये दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एक क्वेश्चन के साथ आपको कई कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो मैंने आपको सिखाया इसकी रंग, इसकी आंतरिक संरचना, इसकी बाह्य संरचना, सब कुछ जो है वो पृथ्वी के समान है। इसीलिए जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो पृथ्वी और शुक्र दोनों क्या लगते हैं दोस्तों, सेम लगते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है पृथ्वी का जुड़वा, ठीक है ना, क्लियर। तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी के वायुमंडल के CO2 गायब हो जाती है, वायुमंडल में CO2 गायब हो जाती है, याद करो दोस्तों CO2 मैंने क्या बताया था, CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो नाम से देखो CO2, टू को बोलते हैं डाई, क्या बोलते हैं टू को, डाई बोलते हैं, ठीक है। ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, और सी का मतलब क्या है, कार्बन, तो कार्बन डाई ऑक्सीजन CO2। अब ये कह रहा है जो हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल कौन सा, जहाँ पे वायु वगैरह पाई जाती है, गैसेस पाई जाती हैं, जहाँ पर गैस वायु ये पाई जाती है उसे हम लोग वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के साथ ये भी आप याद करो, तो ये कह रहा है यदि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 गायब हो जाती है, भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गायब हो जाती है, तो पृथ्वी की सतह का तापमान क्या होगा, जो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ की जो सतह है, जो जिसे आप लोग जमीन बोलते हैं, उसका तापमान क्या होगा, तो उसके तापमान में क्या चेंज होगा, वृद्धि होगी, कमी होगी, ऑक्सीजन एकाग्रता पर निर्भर हो जाएगा, समान ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, कमी होगी, तापमान में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग गायब करते तो ये क्या करता है, ये तापमान को कंट्रोल में रखता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, जब इसको हम गायब कर देंगे तो तापमान में डिक्रीमेंट आता है, डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, गिरावट आती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमी होना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वायुमंडल क्या होता है, जहाँ पे वायु और गैसेस पाई जाती हैं, अब उन गैसेस में अगर हम CO2 को गायब कर दें, CO2 जिसका परसेंट भी बहुत ज़्यादा अधिक होता है, CO2 को हम गायब कर दें, तो इसमें तापमान की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लास में समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में रिक्त स्थान भरें, देखो दोस्तों अम्ल और क्षार, ये अब ये बला क्या है, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, देखो अम्ल का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, मैंने कहा नींबू, नींबू क्या होता है स्वाद में, क्या होता है, खट्टा होता है, तो इसका मतलब क्या है, नींबू क्या है दोस्तों, अम्ल है। क्षार कौन से होते हैं, क्षार का मतलब होता है कड़वाहट, यानी कि जो कड़वे होते हैं, जो कड़वा होता है, ठीक है ना, क्षार, जैसे कि आप राजस्थान के अंदर आपने देखा हो तुम्बे होते हैं, तुम्बे, ठीक है ना, कड़वे होते हैं, कोई भी आप मेडिसिन लेते हो कड़वी होती है, वो क्या होते हैं, क्षारीय पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, क्षार होते हैं। तो जब हम इन दोनों को मिला दें, यानी कि खट्टे और कड़वे दोनों को मिला दें, अर्थात अम्ल को भी मिला दें और क्षार को भी मिला दें, यानी कि अम्ल प्लस क्षार जब अपने मिला देते हैं, तो अम्ल प्लस क्षार को मिलाने पर क्या बनता है, नमक प्लस पानी बनता है, क्या बनता है, नमक प्लस पानी बनता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, नमक आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी ऑप्शन आना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि नमक। तो याद रखिएगा जब भी हम खट्टे और कड़वे को मिलाते हैं तो नमक और पानी बनता है। खट्टा और कड़वा मैं क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे, यानी कि अम्ल और क्षार को जब भी हम मिलाते हैं तो लवण और पानी बनता है। नमक की जगह दोस्तों अगर लवण लिखा हुआ आ जाए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, नमक की जगह अगर आपको लवण लिखा हुआ मिल जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। लवण और नमक एक ही बात होती है, इसके अगर हम प्रकृति याद करें। अच्छा, अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर जी अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, नमक क्या होता है। अब आपको लोग कहोगे नमक क्या होता है, नमक दोस्तों उदासीन होता है। नमक क्या होता है, उदासीन होता है, जो किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जब आप इसको खाते हैं तो आपको इसका टेस्ट जो थोड़ा कड़वा लगता है, नमकीन लगता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझ में, तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नमक। तो नमक प्लस पानी, तो रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए, नमक आना चाहिए, तो डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, आ रहे हैं ना समझ में क्वेश्चन। अगला है, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षित करती है।
सबसे पहले तो ये देखो, वायुमंडल के अंदर ओजोन परत होती है ऐसे, ठीक है ना। ओजोन का मतलब होता है ऑक्सीजन के तीन अणु। जैसे आप ऑक्सीजन को O2 पढ़ते हो, उस O2 में एक O और मिल जाए तो वो बनता है O3, और इस O3 को हम लोग बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं इस O3 को? ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओजोन बोलते हैं। अब ओजोन का कार्य क्या है? देखो भाई, सूर्य भगवान जो है ना, वो क्या करते हैं, प्राबैंगनी किरणें फेंकते हैं, दबा के फेंकते हैं, ठीक है ना। अब वो प्राबैंगनी किरणें अगर यदि धरती पर पहुंच जाए तो धरती का तापमान इतना, मतलब आग की तरह गर्म हो जाएगी धरती, प्लस हमारी जो बॉडी की जो स्किन है वो जलने लग जाएगी, उस पर कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएगी। तो उसको बचाने का कार्य कौन करता है? ओजोन करता है। क्या कौन करता है दोस्तों? ओजोन करता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना ओजोन के बारे में, पढ़ा होगा, ठीक है। तो ओजोन करता है। तो वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षित करती है? अभी मैंने नाम लिया था किससे? पराबैंगनी किरणों से। किससे दोस्तों? पराबैंगनी किरणों से। अच्छा, ये पराबैंगनी किरणें आती कहाँ से हैं? सूर्य से आती हैं। कहाँ से आती है दोस्तों? सूर्य से आती है। अब देखो, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इन पराबैंगनी किरणों दुष्प्रभाव क्या है? स्किन कैंसर हो जाता है, त्वचा जलने लग जाती है, त्वचा में रूखापन आ जाता है, ठीक है ना। और धरती जो है, धरती के ऊपर तापमान बढ़ जाता है, जिससे वनस्पति जगत को काफी नुकसान होता है ना। तो देखो, काफी सारे क्वेश्चन सीखने को मिल गया ना इस क्लास में। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना, सभी लोगों तक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपको विज्ञान की सीरीज में। निम्नलिखित में से किसे कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है दोस्तों? ये केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का ये प्रश्न है कि किसको कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। तो कार्बोलिक एसिड के रूप में किसको जाना जाता है? फिनोल को। आपने सुना होगा ना, फिनोल लगा के पोछा लगा लो भाई, मक्खियां नहीं आएगी। तो फिनोल को, फिनोल को, ठीक है ना। फिनोल की कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसी होती है दोस्तों। देखो ऐसे होती है, इसके ऊपर OH ग्रुप जुड़ा होता है। OH का मतलब होता है एल्कोहल ग्रुप, यानी कि जिसे बोलते हैं ओल। जो नॉन मेडिकल या मेडिकल साइंस कर रहा है उसे तो पता होगा। और अगर यदि ये हटा दें और यहाँ पर ऐसे आ जाए तो इसे बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेंजीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर याद रखोगे तो ऐसे ऐसे रखनी है, इस तरह से होता है, ठीक है ना। ऊपर इसके क्या जुड़ा होता है? OH जुड़ा होता है, एल्कोहलिक ग्रुप। तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड के रूप में भी इसको जानते हैं, कार्बोलिक एसिड के रूप में भी इसको जानते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? फिनोल है। क्या नाम है इसका दूसरा? फिनोल है। अब इस क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछ सकता है? घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि फिनोल का दूसरा नाम क्या है। तो फिनोल का दूसरा नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड। और कार्बोलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? फिनोल है, ठीक है ना। फिनोल इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाता है, PHENOL, फिनोल, ठीक है। याद हो जाएगा क्वेश्चन, तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊनी कपड़े सर्दी के मौसम में इस्तेमाल होते हैं। आप सभी ऊनी कपड़े पहनते हो, है ना। ऐसा थोड़ा ना सर्दी में आपने सूती कपड़े पहन लिए, चलो जी ठंडे रहेंगे, मजा आएगा, ऐसा तो नहीं होता। आप कौन से कपड़े पहनते हो? देखो, हमारी बॉडी को वातावरण के हिसाब से ढलना पड़ता है। जब ठंड है तो आप गर्म कपड़े पहनते हो, और जब गर्मी है तो आप ठंडे कपड़े पहनते हो, है ना। तो ऊनी कपड़े सर्दी के मौसम में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े, आगे आपको रीजन देना है, क्योंकि ऊनी कपड़े, ऊनी कपड़े क्या दोस्तों? गर्मी के अकुशल संवाहक हैं। गर्मी के अकुशल संवाहक हैं, यानी कि जो अंदर हमारे गर्मी होती है, अंदर हमारी जो गर्मी होती है उसको ये बाहर नहीं जाने देते हैं, ये अपने आप में कंडक्ट करके रखते हैं। और गर्मी से हमें क्या करते हैं? गर्मी से हमें हीट प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो ठंड में अगर ठिठुर रहे हैं तो हमें उससे राहत मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? राहत मिलती है, ठीक है। चलिए सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है ये सीरीज का, ठीक है। पशु व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहते हैं? पशु व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आचार शास्त्र। क्या कहते हैं? आचार शास्त्र। विज्ञान की एक शाखा होती है आचार शास्त्र, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कि पशु का जो व्यवहार है, कोई भी पशु है वो कैसा व्यवहार कर रहा है, उसकी अगर अपने साइंटिफिक स्टडी करें या फिर उसकी एक लॉजिकल स्टडी करें तो उस स्टडी को बोलते हैं आचार शास्त्र। क्या बोलते हैं? आचार शास्त्र। याद रखिएगा दोस्तों, आचार शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछ सकता है? घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि आचार शास्त्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, पशु व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को। ऑप्शन बी, जीवों के अध्ययन को। ऑप्शन सी, मनुष्य के अध्ययन को। इस तरह से मतलब क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। तो ये टेक्निक आप पकड़ लो, ठीक है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है। 10 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। धीरे धीरे आप करोगे तो आपको अच्छा जो है सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मेरे नंबर आपको दिया है वहाँ पे क्वेरी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।
और दोस्तों क्लास में मज़ा आया नहीं आया जरूर बताना कमेंट में, ठीक है ना। बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाया मैंने आपको, जरूर बताना कमेंट में। और आपको कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना, ये भी बताना। और दोस्तों वीडियो को फुल शेयर कर देना, इस क्लास को फुल शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि हमारे सभी अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, साइंस की सारी वीडियोस आपको आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, जो चैनल की प्लेलिस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।